एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स का आना अभी बाकी है. कौन? वो रे. ये हैं कृष्णा जी. मिस्टर कपूर की सगी माँ. नमस्ते. स्वीटी, वो ये क्या स्यापा है? वे हमारे बनाए हुए महाभारत में ये राम की कौशल्या की री एंट्री कहाँ से हो गई? प्रिया जरा एक मिनट. मैं अभी आई. माँ, क्या है? ये क्या नौटंकी कर रही हो तुम? कम से कम आज के दिन तो मत करो. मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ मिस्टर कपूर. मैं आपकी सगी माँ को इस फंक्शन में लेकर आई और उन्हें वो इज्जत दिलाना चाहती हूँ जो वो डिजर्व करती है. कुछ भी डिजर्व नहीं करती है वो औरत. इस परिवार से जुड़ी हुई कोई भी खुशी डिजर्व नहीं करती है वो औरत. ऐसा आप सोचते हैं, मैं नहीं. मैं जानती हूँ आप अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, लेकिन इससे मेरी सोच नहीं बदल जाएगी. आप भले ही उन्हें अपनी माँ ना माने, लेकिन लाला जी के साथ उनका जो रिश्ता था आप उसे इनकार भी नहीं कर सकते. आज लाला जी की स्टैचू अनवील होने वाली है और ऐसे मौके पर माँ का यहाँ होना उनका हक बनता है. ये हक आप उनसे छीन नहीं सकते. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज कपूर इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन डे है. आज कपूर इंडस्ट्रीज को शुरू हुए 40 साल हो गए, इसलिए अब मैं निवेदन करूंगी मिस्टर राम कपूर को कि वो यहाँ आए और लाला जी स्वर्गीय अमरनाथ जी की स्टैचू को अनवील करें. साथ ही मैं चाहूंगी कि इस शुभ काम में मिसेज अमरनाथ कपूर उनका साथ. मिसेस कृष्णा कपूर, आई. आइए ना. माँ, मेरे लिए आप ही मिसेस अमरनाथ कपूर हैं. आप आइए मेरे साथ. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कमिंग बैक. जैसे कि मिसेस प्रिया राम कपूर ने अभी कहा कि आज कपूर इंडस्ट्रीज का फाउंडेशन डे है. आज इस इंडस्ट्री को पूरे 40 साल पूरे. ये 40 साल का सफर अपने आप में एक इतिहास है. इस इतिहास की एक छोटी सी झलक हमने एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से तैयार की है, तो प्लीज. मिस्टर जयेश कार्यकर यहां छुप कर बैठे हैं.
अमरनाथ जी के बिन माँ के बेटे को एक माँ का प्यार दिया है. What's wrong with that? जो माँ की ममता देती है वो माँ की ममता की कीमत नहीं वसूल करती अमेरिका. तुमने अपने स्वार्थ के लिए अमरनाथ कपूर जैसे भले आदमी को अपने प्यार के दान में पास. तुम ये मत भूलो कि मैंने उनके बच्चों को उनके घर तक को संभाला. जो प्यार मैंने राम को दिया है ना उसके बदले में ये सब कुछ डिजर्व करती थी मैं. किस हक की बात कर रहे हो तुम यारिका? अमरनाथ कपूर की आंखों में उसकी बीवी को नस्लों से गिरा दिया, उस बेचारी को बेघर कर दिया तुमने, और तो तुमने एक माँ को अपने बेटे से जुदा कर दिया और एक खुशहाल घर को उजाड़ के अपनी दुनिया बसाई तुमने, और तुम हक की बात कर रही. जयेश, ये सब क्या हो रहा है? I don't know, प्रिया. अभी तक का तो रिकॉर्डिंग है. आगे ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा गिर गया या पता नहीं. I don't know. अरे अगर हम उन दोनों की पूरी बातचीत नहीं दिखा पाए तो. Stop this nonsense. What the hell is all this? माय मिनट, मिस्टर कपूर आप देखा ना? जब जब ये औरत हमारी जिंदगी में आई हमारे बने बनाए रिश्तों को बर्बाद कर दी, और आज भी इसने एग्जैक्टली यही किया है. ये औरत इतनी कैसे गिर सकती है? What does she want? क्या चाहती है ये? बस इतना ही ना कि मुझे झूठा साबित कर दे. हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जयेश का अतीत तुमसे छुपाया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम हर्ट ना हो. और यही बात मैं जयेश को समझाने उसके घर गई थी, लेकिन वो नहीं समझा. राम, जयेश मेरे अतीत का वो हिस्सा है जिसे मैं कब का भुला चुकी हूँ. मेरी इस कोशिश को कितने गंदे और घटिया तरीके से इस वीडियो में आज तुम्हारे सामने पेश किया गया सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारी नजरों में गिर जाऊं. रिलैक्स मॉम, मैं आपका पास्ट अच्छी तरह से जानता हूं. मैं जानता हूं कि आपने पहले शादी की थी और आपके पति को छोड़ के आप पिताजी के पास आए थे. मैं सब जानता हूं. हो सकता है कि ये आपकी गलती है, लेकिन आखिर गलती इंसान से ही होती है. और वैसे भी मेरे लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ एक है, और वो ये कि पिताजी के आखिरी दम तक आप उनके साथ थे. इस औरत की तरह उनको छोड़ के नहीं चली गई थी आप. लेट मी फिनिश. मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप जानती थी कि मेरी मां अच्छी औरत नहीं, अगर आप जानती थी कि इसको पिताजी के साथ नहीं रहना चाहिए, तो फिर आप पिताजी की जिंदगी में वापस क्यों नहीं आए? क्यों हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई आप? मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि मां ने पिताजी को आपके खिलाफ भड़काया और इसीलिए आप पिताजी के करीब आ ही नहीं पाए. चलिए ये भी मान लेते हैं. लेकिन मेरा क्या? मैंने क्या किया? मैं आपका बेटा था ना, मुझे भी छोड़कर चली गई. पिछले 20 सालों में एक बार भी से मिलने की कोशिश नहीं की. आखिर क्या किया था मैंने? ये सच नहीं है ना. मैं वापस आना चाहती थी लेकिन मैं आ नहीं पाई. इसके पीछे मेरी मजबूरी थी, और मजबूरी थी ये निहारिका. इसने मुझे धमकी दी अगर मैं वापस आई तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती. चलो मेरी बात भी छोड़ दीजिए, बस एक चीज पूछना चाहता हूँ. आप कहते हैं कि आप पिताजी से प्यार करती थी ना, उसी हक से आज आप यहां आई हैं, तो उस दिन कहां थी आप जब मैं उनका अंतिम संस्कार कर रहा था?
ऐसा नहीं है राम, तुम मेरी बात तो सुनो। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आप उस दिन भी नहीं आ पाई? बेसब्री से आपका जवाब सुनना चाहता हूं। मेरे और प्रिया के बीच इस वक्त हालात अच्छे नहीं है। इनफैक्ट प्रिया तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर भी मैं इसको अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर सकता। ये मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, फिर भी मैं इसके साथ रहना चाहता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। और जो प्यार करते हैं ना, वो साथ रहते हैं, वो छोड़ के नहीं चले जाते, समझिया? ये बस आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता मैं। और प्रिया तुम सुन लो, तुम समझती हो कि मेरी सौतेली मां मुझसे प्यार नहीं करती ना? हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन जब मेरी असली मां मुझे छोड़कर चली गई थी ना, तब इन्होंने मेरा साथ दिया। जब मुझे सहारे की सबसे सख्त जरूरत थी, तब इन्होंने मुझे सहारा दिया। प्यार से ना सही, इंसानियत से ही सही, इन्होंने मेरी हर जरूरत पूरी की। बस करो राम, बस करो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को छोड़कर जाना चाहेगी? लेकिन मुझे जाना पड़ा तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मुझे धमकाया गया कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर ना गई तो तुम्हारे साथ भी वो वही कुछ करेंगे जो लाला जी के साथ किया। इसलिए तुम्हारी सलामती के लिए बेटा मैं तुमसे दूर चली गई थी। ओ प्लीज, अपने स्वार्थ को ममता का नाम मत दीजिए। बात सुन लो, मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ दो लोगों को अपने आप से ज्यादा अहमियत दी, एक तुम और एक मेरी सौतेली माँ। तुमने तो मुझसे कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं, लेकिन जिसके लिए मैं आज भी कुछ हूं, तुम उन्हें भी मुझसे छीनना चाहते? तुम चाहती हो कि मैं फिर से बिल्कुल अकेला पड़ जाऊं? Is that what you really want? आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो तुम चाहती हो ना, वो मैं नहीं होने दूंगा। मेरी सौतेली मां मेरे लिए मेरी असली मां से भी ज्यादा अहमियत रखती है, और मैं तुम्हें इन्हें छीनने नहीं दूंगा। मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मिस्टर कपूर। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी, और ये भी मानती हूँ कि आपकी सोच उसी पर बेस्ड है जो आपने ज़िंदगी में देखा है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है जो कुछ आपने देखा वही सच नहीं था। सच का एक और भी पहलू है जो माँ आपको दिखाना चाहती है। और प्रिया, तुम इस वक्त चले जाओ यहाँ से। लेकिन मिस्टर कपूर, मैं आज तुमने मेरी बुनियाद हिला दी। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। देख लिया ना प्रिया, मैं जो कहती थी वो ही हो रहा है। सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि उससे बचने के लिए इंसान झूठ की छाओं में ही रहता है। मिस्टर कपूर प्लीज, आप हमारा विश्वास कीजिए। मैं अब तुम पर और भरोसा नहीं कर सकता हूँ प्रिया, प्लीज। तुम्हें जितना तमाशा करना था तुम कर चुकी हो ना, प्लीज फॉर गॉड सेक जस्ट गो। नहीं सुनना चाहता मैं और कुछ भी। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक कह रहे मिस्टर कपूर,
मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। सॉरी माँ, मैं ही जिद करके आपको यहाँ लेकर आई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। I'm really very sorry. ना जा पुत्र तू, तो घर की लक्ष्मी जब घर से निकल जाती है वैसा ही होते है जो आज हुआ है। राम जो भी कहता उसे कहने दे, पर ये घर तेरा है पुत्र, तेरा है। तू नहीं जा पुत्र, तू नहीं जा। प्लीज दादी, मैं यहाँ बाहर नहीं रुक पाऊंगी। जिद मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मिस्टर कपूर, क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कही। हमारे पास आपके नाम से वारंट है। मेरे नाम का अरेस्ट वारंट है? मैंने क्या किया है? What? आप कपूर फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हैं। हाँ। और आपकी कंपनी के द्वारा बनाई हुई मेडिसिन खाकर हॉस्पिटल में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। What? जब क्या कह रहे हैं? What? What? फ्रॉड मेडिसिंस बनाने के जुर्म में हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। एक मिनट, देखिए जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। जरूर आपको कुछ गलतफहमी है। सॉरी मिस्टर कपूर, इस कंपनी के ओनर होने के नाते आप ही इस हादसे के जिम्मेदार हैं। हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। मैंने ये कंपनी मेरे छोटे भाई को सौंपी है, मुझे उससे बात करनी होगी। I need to understand what's going on. सर, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सबूत है जिसके बिना पर हमें इस कंपनी के ओनर को अरेस्ट तो करना ही होगा। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप समझ तो आप नहीं रहे मिस्टर कपूर। इट्स अ क्लियर केस, ऑलरेडी बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। भाई आप 2 मिनट साइड में चलिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? भाई सिद्ध भैया ने फ्रॉड किया है। व्हाट? उसने कम पैसों में दवाइयाँ बनाई और चीप रॉ मटेरियल यूज किया। क्या कह रहे? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से सिद्ध को मैनेजर के साथ बात करते हुए देखा। इन सारी दवाइयों के रेट बढ़ा दो। सॉरी सर, राम सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हमारी कंपनी की दवाइयाँ मार्केट रेट से आधी कीमतों में ही बिकेगी। इस वक्त तुम्हारा बॉस कौन है? राम या मैं? आप सर। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। हमारा अल्टीमेट गेम है पैसा कमाना, और उसके लिए चाहे जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े करो। दवाइयों के रेट बढ़ा दो और प्रोडक्शन वैल्यू कम कर दो। जो दवाइयाँ 12 रुपए में बन रही थी उसे 6 रुपए बना, बस प्रॉफिट कमा। लेकिन सर ये रिस्की हो सकता है। प्रोडक्शन वैल्यू कम करने का मतलब है चीप रॉ मटेरियल यूज़ करना, और रॉ मटेरियल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ जानलेवा हो सकता है। लेकिन लोगों को वहाँ पता चलना है, वो तो उसी विश्वास से खरीदेंगे ना जिस विश्वास से आज तक खरीदते हैं। लेकिन उस विश्वास का हम लोग गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं? दवाइयों के नाम पर जहर कैसे बेच सकते हैं? और इनमें से कुछ दवाइयाँ तो बच्चों के लिए भी है, कल अगर ये दवाइयाँ खाकर किसी की जान चली गई तो? कुछ लोग मरेंगे, मरने दो, लेकिन हमें करोड़ों का फायदा हो रहा है, उसके बारे में सोचो। लेकिन सर इतना इमोशनल होने की जरूरत है? और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक बच्चा मरेगा, 4 बच्चे मरेंगे, कोर्ट केस 10-15 साल कोर्ट केसेस चलेंगे, 1-2 करोड़ का नुकसान हो, लेकिन 20-25 करोड़ का फायदा होगा, उसके बारे में सोचो। जो तू कह रहा है अगर वो सच है, अगर
नरसिंह ने वाकई ऐसा किया है तो उसे सजा मिलेगी। आई विल मेक डैम श्योर ऑफ दैट। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी, लेकिन जो हादसा हुआ है, मेरा भाई सिद्धार्थ कपूर उस हादसे के पीछे, एंड इवन दो वो मेरा भाई है, मैं चाहता हूँ कि आप जरूर उसे अरेस्ट करिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये क्या कह रही? हाँ मॉम, भाई ने तो ऋषभ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये राम की वजह से हुआ है। इसका जिम्मेदार सिद्ध नहीं, राम है, राम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.